हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर रियली नाइस, वेरी गुड, ललन टॉप, फैंटास्टिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से बताया था कि अगर कंप्लीट वेक्टर चाहिए, जो आपके एनडीए में आता है, समटाइम्स आता है, हमेशा तो नहीं आता, लेकिन आता है कभी ना कभी, तो इसमें जो कुछ भी चीज़ें हैं एनडीए पूछता है उसका वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ऐसा मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो आज पूरा इस लेक्चर में जितना भी वेक्टर में चीज़ें होती हैं एज पर एनडीए सिलेबस, वो सब आज हम आपको कराएंगे। तो आप सब लोग प्यार से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं हमसे, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारा जो ये आपका गूगल प्ले स्टोर होता है ना, गूगल प्ले स्टोर, तो गूगल प्ले स्टोर खोलोगे उसमें एक एप्लीकेशन मिलेगा तुम्हें मैथ जुगाड़ से। क्या मिलेगा? एक एप्लीकेशन मिलेगा मैथ जुगाड़ से। मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन को खोल लेना है। खोलने का मतलब, अरे डाउनलोड कर लेना है, काहे में, मोबाइल में। और डाउनलोड करने के बाद आपको एनडीए के लिए, एनडीए 2023 के लिए अकच्छ बैच को सेलेक्ट कर लेना है, और अकच्छ बैच को सेलेक्ट करके उसे सीधे परचेज मार देना है। और जब आप परचेज कर लोगे तो हम आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे आपके मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन पर, डाउनलोड एज सून एज पॉसिबल। ठीक, देर मत करना, बहुत बढ़िया वाला ऑफर चल रहा है, बहुत सस्ता है, समझ लो, इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं नहीं, ठीक, याद रखना। दूसरा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरह की क्वेरीज हैं, तो ये दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट करिए, आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ से कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों? तो ये थी सबसे इम्पोर्टेंट बात, और अब चलते हैं पढ़ाई की तरफ, वेक्टर एनालिसिस में। देखो बेटा, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक, कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक, निरूपण, ठीक है ना? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, तो किसी यानी सदिश का निरूपण, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? सदिश राशियों का निरूपण, तो हम लिख देते हैं, चलो हिंदी में भी, सदिश राशि का निरूपण, ठीक है। हिंदी देख रहे हो ना कितना बढ़िया है हमारा, एकदम सुंदर सुंदर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, एकदम सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, ये सब तुम लोगों की वजह से है, हाँ ये समझ लो, तुम लोग नहीं होते मैं इतना सुंदर लिख ना पाते, ठीक है। ठंडा बहुत हो गया है रूम, एसी बंद कर दिया जाए, गड़बड़ा जाएगा मामला, वरना चलो बंद हो जाए भाई, ठीक। अब देखो, सदिश का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक तीर का निशान यूज करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो, और एरो को क्या बोलते हैं हम लोग? तीर, तीर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस तीर की जो लंबाई है ना, इस तीर की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, ये लंबाई उस पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी के परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। यानी यहाँ से लेके, यानी हेड से लेके टो तक, यानी तीर के पिछवाड़ा से लेके अगवाड़ा तक की जो लंबाई है, ये लंबाई क्या है? यही परिमाण है, जिसे हम अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड कहते हैं, अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड और हिंदी में परिमाण। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में इसे ही परिमाण कहते हैं, समझ गए? तो रिप्रेजेंट करने के लिए तीर का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस डायरेक्शन में तिरवा जा रहा है वो दिशा भी हो गया, और तिरवा की लंबाई मैग्नीट्यूड हो गई, खत्म कहानी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लो कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के लिए सिंबल हम यूज करते हैं v, तो v के ऊपर तीर का निशान लगा दिया, वेक्टर में हो गया।
अगर तीर का निशान नहीं है तो केवल स्केलर फॉर्म में है, यानी वेक्टर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे फोर्स, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने फोर्स के ऊपर यानी फोर्स के सिंबल पे तीर का निशान बना दिया, हो गया ये वेक्टर में। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग को पी से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पी के ऊपर तीर का निशान बना दिया, रेखीय संवेग हो गया सदिश निरूपण में वेक्टर फॉर्म में, क्लियर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तीर लगा देते हैं, ठीक। अब इसमें एक और चीज समझना कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और दूसरा कोई तरीका भी है क्या? तो हमने कहा हाँ है, कि और कैसे लिखते हैं ये समझो, कि वेक्टर क्वांटिटी को और दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है ये समझो। कि मान लो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि मान ये है वेक्टर F बराबर, ऐसे लिख दिया हमने F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, ठीक है। तो मैथमेटिकली वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से लिखा जाता है, ग्राफिकली तीर का निशान बना के लिखा जाता है, समझ गए। तो मैथमेटिकली वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि सर जी ये सब क्या लफड़ा है, अरे गुरुवर इसमें ये आई कैप आ गया, ये जे कैप आ गया, ये के कैप आ गया, ये सब कौन से परिंदे हैं? तो ये परिंदे हैं नहीं, इनको कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या कहते हैं इनको? ये जो आप देख रहे हो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप जो आप यहां पर देख रहे हो, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, हिंदी में लंब कोणीय एकांक सदिश, ठीक है। तो ये और ये, इनका जो नाम है, इनका नाम है, देखो क्या नाम है, ऑर्थोगोनल, समझो इनका नाम है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक। और हिंदी में इनको बोलते हैं लंब कोणीय एकांक वेक्टर, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। किसको लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं? आई कैप जे कैप और के कैप को। अब अगली बात कि ये एकांक सदिश क्या है, तो देखो एकांक सदिश भी जान लो, ठीक। अब यहां पर एकांक सदिश भी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि ये जो आई कैप जे कैप के कैप को हम लोग लंबकोणीय एकांक सदिश तो कहते ही हैं। ये जो आई कैपवा है ना, ये आई कैपवा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कैपवा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और के कैपवा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि थ्री डायमेंशन में तीन एक्सिस होता है। थ्री डायमेंशन में कितने एक्सिस? तीन एक्सिस, ऐसे एक्स वाई और जेड। तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? आई कैप। यानी आई कैप का मतलब हो गया कि अब किसी भी चीज का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर कोई वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग लिखना है, वेक्टर में लिखना है, तो उसके बगल में हम लोग जे कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जे कैप लगा देंगे। और किसी वैल्यू को जेड एक्सिस के अलोंग अगर लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो उसके लिए हम लोग के कैप का सहारा ले लेंगे। किसका? के कैप का सहारा ले लेंगे। और याद रखना कि ये तीनों एक्सिस आपस में किस तरीके से होते हैं? ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। ये तीनों ही एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। तीनों एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। ये एक्स और वाई वाला हो गया, ठीक। ये तुम्हारा वाई और जेड वाला हो गया, और ये तुम्हारा
जेड और एक्स वाला हो गया, ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, समझ गए? यानी कि एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसीलिए इन आई कैप जे कैप के कैप में भी लंब कोणीय टर्म यूज है, ठीक है ना? क्या टर्म यूज है हिंदी बोलते समय? लंब कोणीय एकांक वेक्टर, समझ गए? तो अब यहाँ पे जो एक टर्म आया यूनिट वेक्टर, ये कि ये यूनिट वेक्टर किस परिंदे का नाम है जिसको हिंदी में हम लोग केवल क्या कहते हैं? एकांक सदिश। तो यूनिट वेक्टर बेटा समझ लो कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, जिसका परिमाण एक हो, ठीक, कोई भी हो सकता है, वो अल्फा बीटा गामा किसी भी टर्म में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, जिस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक होता है उसे हम एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है? यानी यूनिट वेक्टर का मतलब कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? एक हो, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेड बाई कैप, कैसा वाला कैप? ऐसा वाला, ठीक, बर्थडे वाला कैप पहना दिया, ऐसा नहीं लग रहा है बर्थडे कैप ऐसा होता है कोन टाइप में होता है ना, तो ऐसे ही ऐसा बना दिया, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर, समझ गए? ये याद रखना है, ठीक। अब किसी भी वेक्टर, गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे ये सिखाता हूँ मैं, कि अगर जैसे मान लो कि ये वेक्टर एफ था और ये लिखा है एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, और इसके लिए इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है फोर्स का, यानी कि फोर्स का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जब कभी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, ठीक, उसी वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पे जो हमको रिजल्ट निकल के आता है वो उस क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर की वैल्यू आता है। तो ये फॉर्मूला है, नंबर से ज़रा समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे निकाला जाए, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है ये कैसे निकाला जाए। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, और ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, मान लो ये हमारे सामने क्या है? क्वांटिटी है, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, हमने लिखा कि वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो आई के गुणांक क्या है? एफ वन है, तो एफ वन का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर यानी जे का गुणांक क्या है? एफ टू का स्क्वायर, प्लस के गुणांक का स्क्वायर, और के का गुणांक क्या है? एफ थ्री, तो एफ थ्री का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड निकलता है। फिर करना क्या है कि इसी वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देने पर फोर्स का यूनिट वेक्टर निकल आएगा। और याद रखना हमेशा कि जो यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? दिशा बताता है। ये याद रखना कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है बच्चों? डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक, किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो वो उस क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप का क्या काम है? डायरेक्शन बताना कि किसी वैल्यू के साथ अगर आई कैप लगा है, जैसे मान लो कि हमने लिख दिया थ्री आई कैप, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये जीरो मान लो और ये एक्स एक्सिस मान लो, ठीक, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तीन यूनिट का मैग्नीट्यूड है, और ये आई कैप तो हो गया डायरेक्शन, कि डायरेक्शन मिल गया एलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्या मिल गया? एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक, और तीन मिल गया मैग्नीट्यूड, तीन क्या मिल गया? मैग्नी
मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, तो यहाँ से एक दो तीन, तो ये हमारा परिमाण हो गया एक दो तीन, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का लंबाई हमको मिल गया इतना और डायरेक्शन मिल गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। सिंपल, थ्री आई कैप का मतलब यही हुआ, ठीक। और अगर माइनस में यही चीज लिखा होता, अगर यही चीज माइनस में लिखा होता तो ये जीरो है, इधर तो वैल्यू प्लस में चलता है, तो इस तरफ हमारा क्या आएगा, माइनस में, तो यहाँ पे लेंगे एक दो तीन, यानी ये माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, तो यहाँ पर हम वेक्टर वाले को कैसे ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से इतना, ये है माइनस में थ्री आई कैप, ये क्या है, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ से ये जो तीर का निशान हमने बना दिया ये है माइनस में थ्री आई कैप, और ये नीला वाला जो देख रहे हो ये प्लस में है थ्री आई कैप, ठीक। तो नंबर के साथ आई कैप, जे कैप, के कैप लगा हो तो इसका क्या मतलब हुआ और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको पता चल गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि कोनो दिक्कत है, देखो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए बबुआ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप यूनिट वेक्टर समझ गए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये समझ गए, और ये देखो हमेशा ध्यान रखना क्या, कि ये एफ वन एफ टू एफ थ्री कोई अजूबी चीज़ नहीं है, ये कोई अजूबा नहीं है, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं ये, ठीक। यानी कि f1, f2, f3 का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार जीरो, कुछ भी, ठीक है ना, प्लस और माइनस में कुछ भी हो सकता है, तो ये वैल्यू है, क्लियर आया समझ में। और एडिशन का फार्मूला हम आपको पहले ही बता दिए थे, ठीक, कि दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का क्या फार्मूला है, ये बात हमने आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में ही बता दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वेक्टर में आपको ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको लेकिन और बताना चाहूँगा कि एडिशन में जो रिजल्ट आता है, ठीक है ना, उसका फार्मूला तो आपने देख लिया था, क्या देख लिया था, कि अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, कि मान लो ये कोई वेक्टर P है और ये कोई वेक्टर Q है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो एडिशन के बाद P प्लस Q का रिजल्ट आएगा, यानी वेक्टर P प्लस Q का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, यही आएगा। तो जो रिजल्ट रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं पे भी होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ध्यान रहे, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कहीं पर भी ये लाइन हो सकता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है वेक्टर R, और ये रिजल्टेंट वेक्टर P के साथ किसी एंगल पर है, किसके साथ, वेक्टर R जो है इस P के साथ किसी एंगल पर है, अब वो एंगल अगर अल्फा है, क्या है, अल्फा, तो यहाँ भी फार्मूला बनता है ऐसे कि टैन अल्फा बराबर, देखो P के साथ रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल पर है, तो फार्मूला में ऐसे आएगा कि Q cos थीटा बटे में P प्लस Q sin थीटा, P प्लस Q sin थीटा, और ये जो अल्फा है ये रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर P के साथ एंगल है, तो इसे कहते हैं कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में। तो अल्फा निकालने पर अल्फा क्या बताएगा, अल्फा बताएगा यहाँ से, अल्फा जो है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर P, यानी अल्फा जो है कोण है वेक्टर P के साथ, और ये कोणवा बताता है कि P के साथ रिजल्ट रिजल्टेंट वाला वेक्टर जो R है वो कितना दूर है, कहाँ पे है, ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब और चीज़ें समझो कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान होता है, और ये बेसिकली i, j, k के टर्म में लिखे जाते हैं,
किसके टर्म में? आई जे और के टर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने? आई जे के टर्म में लिखे जाते हैं क्या? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लेते हैं रैंडमली लेट कर लिया कि हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, ठीक, वेक्टर p बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक, एंड वेक्टर b बराबर ए टू आई कैप प्लस ए टू नहीं हो, b1 करना है इसको, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये दो वैल्यू दे रखा है। ऐसे ही रैंडम हमने ले लिया कि कोई भी दो वेक्टर है p और q, इसको q लिख लो कि कोई दो वेक्टर क्वांटिटी है p और q। p वाले का वैल्यू a1 प्लस a2 प्लस a3 i कैप j कैप k कैप, और q की वैल्यू b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप दे रखा है, और इनको ऐड करना है, यानी कि हमें निकालना है वेक्टर p प्लस क्यू एंड वेक्टर p माइनस क्यू, ये हमको निकालना है, फाइंड करना है, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझ लो, ठीक। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जब हमको p प्लस क्यू ही निकालना है, p प्लस क्यू, तो डायरेक्ट i वाले वैल्यू को i वाले के साथ, j वाले के साथ, k वाले के साथ जोड़ देते हैं, यानी यहाँ i के साथ a1 है और यहाँ i के साथ b1 है, तो ये जुड़ जाएंगे कि a1 प्लस b1 i कैप, इसमें j के साथ a2 है, इसमें j के साथ b2 है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे a2 प्लस b2 j कैप। लास्ट टर्म में एक में a3 है और दूसरे वाले में b3 है, ये आपस में जुड़ जाएंगे a3 प्लस b3 इंटू k कैप। और अगर घटाना है कि p में से q को घटाओ, तो वही काम करेंगे कि फिर अब ऊपर वाले वैल्यू में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि a1 माइनस b1 इंटू i कैप प्लस a2 माइनस b2 इंटू जे कैप प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री इंटू के कैप, ये कर देंगे। तो ये हो गया एडिशन और ये हो गया सब्ट्रैक्शन, यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मैथमेटिकल टर्म्स में अगर अपने लिखा हुआ है, आई जे के कैप के टर्म में अगर लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग इस तरीके से ऐड और इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं वहाँ पर फिर। और जब आई कैप और जे कैप के टर्म में हमारा समेशन आ गया, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है कि रूट अंडर आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशियंट का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल कि कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर दे रखा है कि वेक्टर ए बराबर टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, ये दे रखा है, और इस वेक्टर क्वांटिटी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम मॉड बना देंगे और तीर का निशान ऐसे ही लगा रहने देंगे, या सिंपली तीर के निशान को गायब कर देंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर से तीर गायब मतलब डायरेक्शन गायब, केवल मैग्नीट्यूड बचा, ठीक। तो तीर के साथ अगर लिखना हो तो ब्लॉक दीवार बना देते हैं कि तिरवा जाए ना कहीं, उतने ही दूर में रहे तब मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है ना, या तो फिर तिरवा को भगा देंगे, चल ससुरा हट यहाँ से, तेरा कोनो काम नहीं है, अब ये ऐसे बच गया, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया है ना रिप्रेजेंटेशन में। अब बनाएंगे रूट, अब देखो आई के साथ दो लिखा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा रे, चार आएगा ना, बुड़बक वाला काम नहीं करना है। जे के साथ कुछ नहीं नंबर है तो क्या है, वन है, तो वन का स्क्वायर करो तो वन आया, और के साथ क्या लिखा है, माइनस तीन, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस नौ आएगा, तो आ गया प्लस नौ, और सब कुछ इन तीनों को जोड़ दो आपस में, तो जोड़ोगे नौ एक दस चार चौदह, यानी कि रूट अंडर फोर्टीन आ गया, क्या आ गया, रूट अंडर फोर्टीन आ गया। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ठीक है, तो इसी तरीके से निकाल लेंगे। और जहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हो, तब रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वाले से निकालेंगे। आगे बात समझ में,
अब देखो, अगर इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई तो पहले फटाफट इसको क्या कर लो, आप लोग फटाफट इसको एकदम बढ़िया से एकदम सुंदर तरीके से नोट कर लो, ठीक है ना, बिना किसी देरी के। और लास्ट में जाते जाते एक बार और कि अगर आप लोगों को ऑफलाइन बैच में हमसे पढ़ना है तो ऑफलाइन बैच के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और जब मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें जाके अकच्छ बैच को सेलेक्ट करिए एनडीए के लिए, और एनडीए अकच्छ बैच सेलेक्ट करने के बाद तुरंत परचेज मार लीजिए, क्योंकि ऑफर चल रहा है बहुत बढ़िया, एकदम फीस बहुत ही कम है, इतना कम है कि पूछो मत, ठीक, तुम्हारे जेब से कुछ जाए ना, ज्ञान भर भर के ले लियो ऐसे समझ लो, इतना कम फीस है ना। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि गुरु के लिए गुरु दक्षिणा का होना बहुत ज़रूरी है, बिना गुरु दक्षिणा के गुरु से ज्ञान लोगे पाप पड़ेगा पापियों, यूँ समझ लियो, ठीक है ना। तो गुरु दक्षिणा की तरह उसमें फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक, और गुरु दक्षिणा दीजिए, और गुरु दक्षिणा देने के बाद गुरु से ज्ञान लीजिए, ठीक है, अपने एप्लीकेशन के थ्रू। और कैसे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसका डिस्कशन मैं आप लोगों से पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है, कि एप्लीकेशन में किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे है ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फटाक से जाओ, बेधड़क एकदम परचेज मारो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो दिए गए इन नंबरों पे कॉल घुमा लो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वेक्टर एनालिसिस का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट सिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट और जय हिंद।